वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, राइट द फर्स्ट 10। अब लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, ये प्राइम नंबर, तो हम लोग उसको 2 से चालू करेंगे। 1 से क्यों नहीं चालू करेंगे, ना वो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, तो हम लोग उसको 2 से चालू करेंगे। फर्स्ट 10 तक लिखना है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 and 29। जो 1 के टेबल में आए या खुद के टेबल में आए, वही हम लोग उसी को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। अब कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर किसके कहते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए या फिर दूसरे के भी टेबल में आ जाए, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके लिए, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 and 18। फर्स्ट 10 तक ही लिखना है। अब लिखना है हम लोग को ऑड कंपोजिट नंबर। ऑड कंपोजिट नंबर उसको हम लोग कहते हैं जो जो खुद के टेबल में भी आता है और ऑड भी हो, उसको हम लोग ऑड कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जो ऐसा कंपोजिट नंबर जो ऑड हो और 2 से डिवाइड नहीं हो, उसको हम लोग ऑड कंपोजिट बोलते हैं। जैसे हम लोग लिखेंगे 9, 15, 21, 25, 27, 33, 35, 39, 45 and 49। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम लोग 5 में क्या है, सेलेक्ट द को प्राइम नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। हम लोग को इसमें देखना है कि को प्राइम नंबर ये हम लोग को दिया गया है कौन है, और नहीं उसको हम लोग को सेलेक्ट करना है। तो हम लोग को देखना है कि 7 and 14 ये दोनों एक के टेबल में आएगा, इसीलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है। अब 18 और 17 ये दोनों 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और ये दोनों कभी भी किसी एक टेबल में नहीं आएगा, इसीलिए ये को प्राइम नंबर है, ये सेलेक्ट होगा। दूसरा नंबर है 36 and 25, ये भी दोनों को प्राइम नंबर है, ये दोनों एक टेबल में नहीं आएगा, इसीलिए को प्राइम नंबर है। अब 35 and 21 है, ये भी 7 के टेबल में आ जाएगा, इसीलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए ये दोनों नंबर को प्राइम है, ये को प्राइम नंबर नहीं है। मुझे आशा है कि ये समझाया गया प्रयास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि पसंद आया हो, समझ गए होंगे, तो वीडियो को लाइक करें।